जब भी किसी स्पेस की फ्लोरिंग की बात आती है, खासकर रेजिडेंशियल स्पेस की, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऑप्शन है वो है टाइल्स। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक और अल्टरनेटिव बहुत तेज़ी से ऊपर आया है और वो है एपॉक्सी फ्लोरिंग। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि अगर ये इतना ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है तो आज भी टाइल सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन क्यों है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। जैसा कि आप जानते हैं, सीजन में हम बात कर रहे हैं फ्लोरिंग की और पिछले 5 एपिसोड्स में हमने बात की है एपॉक्सी फ्लोरिंग। आज का जो पॉडकास्ट है वो जिस सवाल पे बेस है वो ये है कि टाइल और एपॉक्सी में डिफरेंस क्या है और दोनों में से क्या बेहतर है। देखिए, टाइल हो या एपॉक्सी हो, ये कोई एक सब्सटेंस नहीं है। एपॉक्सी हम कहते हैं तो कई तरह की एपॉक्सी फ्लोरिंग होती है। टाइल्स में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। अलग अलग यूसेज कंडीशन के लिए अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के टाइल होते हैं। तो अगर कोई एक टाइल को हम कंपेयर करें या किसी एक एपॉक्सी फ्लोरिंग को कंपेयर करें, उस बेसिस पे एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है कि टाइल बेटर है या एपॉक्सी बेटर है। तो आज हम इन दोनों अल्टरनेटिव्स यानी कि टाइल और एपॉक्सी को 6 क्राइटेरिया पे असेस करेंगे। पहला क्राइटेरिया है एस्थेटिक्स, और इस मामले में टाइल आगे है एपॉक्सी से। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रेंज अवेलेबल है, न सिर्फ साइज की बल्कि फिनिश, टेक्सचर, कलर, थीम, हर चीज में इसकी रेंज बहुत बड़ी है। एस्थेटिक्स का एक और पार्ट है जिसमें टाइल को लेके कई लोगों को एक बात खटकती है कि फ्लोर पे जॉइंट्स आते हैं, दो टाइल के बीच में जो स्पेस आता है, लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि बिना स्पेस के, बिना ग्राउट के, बिना ये गैप के आपको टाइल नहीं लगाना चाहिए, टेक्निकली ये रॉन्ग है। फिर भी इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही अवॉइड हो रहा है। एनीवे, तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनको जॉइंट नहीं चाहिए, आपका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको सीमलेस एस्थेटिक्स चाहिए, तो फिर एपॉक्सी बेटर है टाइल्स। दूसरा क्राइटेरिया है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के मामले में एपॉक्सी इज बेटर देन टाइल्स बिकॉज इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है और ये सीमलेस है। तीसरा क्राइटेरिया हम लेते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी। ड्यूरेबिलिटी का देखिए मतलब है कि टॉलरेंस आप कह लीजिए, और लॉन्जेविटी का मतलब है कब तक उसकी लाइफ, कितने साल तक चलेगा। एपॉक्सी हो या टाइल, अगर आपका सिलेक्शन सही है और उसका इंस्टॉलेशन सही हुआ है तो ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी दोनों की ही काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया है, 15-20 साल तक ऑफकोर्स कोई इशू नहीं है। चौथा क्राइटेरिया है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में दो बातें हैं, एक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्टॉलेशन और दूसरा है टाइम टेकन फॉर इंस्टॉलेशन। कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में टाइल लगाने वाले आपको ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, लेकिन एपॉक्सी लगाने के लिए आपको डेफिनेटली वेल ट्रेंड, वेल स्किल्ड लोग ही लगते हैं। टाइम के मामले की बात करें तो अगर लार्ज एरिया है उसमें एपॉक्सी इज द विनर बिकॉज एपॉक्सी जल्दी हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज, विद इन 2-3 डेज यू कैन डू अ लार्ज एरिया विद एपॉक्सी फ्लोरिंग, वाइल टाइल माइट टेक सम मोर टाइम। पांचवा क्राइटेरिया है कॉस्ट का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट में देखें हम जब आते हैं तो यहाँ मटेरियल कॉस्ट की बात नहीं हो रही, आपको पूरी फ्लोरिंग की कॉस्ट देखना है। उसमें मटेरियल के अलावा कई एलिमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करें तो पहली कॉस्ट है उसमें क्या, सबस्ट्रेट का प्रिपरेशन। दूसरी कॉस्ट है मटेरियल की कॉस्ट, यानी कि एपॉक्सी, हार्डनर, एडिटिव्स, कलरेंट या जो भी मेटेलिक कंपाउंड्स आप ले रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट। तीसरा है उसका लेबर कॉस्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब देखिए तीनों वेरी करेगी। कई बार तो आपकी जो सबस्ट्रेट है वो इतनी बुरी कंडीशन में हो सकती है कि उसको प्रिपेयर करने का ही कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट से ज़्यादा हो सकता है। टाइल में 3 एलिमेंट की जगह 4 एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के। देखिए सबस्ट्रेट प्रिपरेशन तो उसमें भी आ गई, दूसरा होता है टाइल की कॉस्ट, तीसरा होता है लेबर कॉस्ट, चौथा एलिमेंट सोचिए क्या होगा। चौथा एलिमेंट है टाइल एडहेसिव और टाइल ग्राउट। तो आपने अक्सर सुना होगा कि एपॉक्सी की लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, बट आप ये भी देखिए कि साथ में मटेरियल कॉस्ट और जो सप्लीमेंट्री मटेरियल टाइल में वो भी तो है। तो इस तरह से अगर आप एनालाइज करेंगे 3 कंपोनेंट एपॉक्सी के और 4 कंपोनेंट टाइलिंग में, तब आप एक बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। छठवां क्राइटेरिया जिस पर प्रोफेशनल्स काफ़ी ध्यान देते हैं वो है सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस। देखिए टाइल बनता है इनऑर्गेनिक मिनरल्स से जो कि लोकली या रीजनली अवेलेबल होते हैं, और एपॉक्सी रेजिन बनता है पेट्रोकेमिकल्स से। दूसरी बात यह है कि एपॉक्सी में कई बार वीओसी कंटेंट होता है, जो जो एमिशन होता है वो
हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। टाइल में ऐसा कोई वीओसी कंटेंट होता नहीं है। वैसे अगर आप देखें कि आज के जो मॉडर्न एपॉक्सी हैं वो लो या नो वीओसी के भी आते हैं, वाटर बेस भी आते हैं, तो उस लिहाज से दोनों ही सेफ हैं, टाइल एज वेल एज एपॉक्सी। फिर भी क्यूरिंग के समय में अगर आप एपॉक्सी फ्लोरिंग कर रहे हैं तो एरिया वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों ही रिसाइकलेबल नहीं है। टाइल में जो मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं रिसाइकल मटेरियल यूज़ हुआ है, वो कौन सा रिसाइकल मटेरियल होता है जो विद इन फैक्ट्री जो वेस्टेज होता है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन रिसाइकलेबल एक्चुअली नहीं है। तो इन 6 क्राइटेरिया में दोनों ऑप्शंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई मदर स्टेटमेंट देना कि एपॉक्सी बेहतर है या टाइल बेहतर है, ये तब तक आप नहीं कह सकते जब तक आपने अपने प्रोजेक्ट का असेसमेंट नहीं किया। फिर भी लेकिन अगर आपको सीमलेस फ्लोर चाहिए या स्पेशल फ्लोरिंग चाहिए, जैसे कि 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग चाहिए, तो टाइल उसमें एक ऑप्शन नहीं है, फिर आप एपॉक्सी में जा सकते हैं। यही बात ऑफिस की फ्लोरिंग पर लागू होती है, लेकिन उन एरियाज़ के लिए जो ज़्यादा कॉमर्शियल है, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, वहाँ पे एपॉक्सी और टाइल नेक टू नेक है। डिपेंड करेगा आपको क्या करना है, आपके पास कितना समय है, आपके एस्थेटिक्स का प्लान क्या दिया है आर्किटेक्ट ने, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे फ्लोरिंग स्पेसेस है जहाँ पे एपॉक्सी आगे है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्लीन रूम्स होते हैं, क्लीन रूम्स फार्मास्यूटिकल देन बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जो फेवरेबल फ्लोरिंग है वो है एपॉक्सी फ्लोरिंग। वहीं अगर आप आउटडोर फ्लोरिंग की बात करेंगे तो एपॉक्सी तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, यूवी और एपॉक्सी की बनती नहीं है, तो आउटडोर फ्लोरिंग के लिए डेफिनेटली टाइल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि उन एरियाज में जहां थोड़ी भी धूप आती है वहां पे भी एपॉक्सी आप ना करें, जैसे बालकनीज कुछ हो सकते हैं या कुछ पैसेजेस हो सकते हैं, टाइल एक बेटर ऑप्शन होगा। सो नाउ यू आर फुल्ली इक्विप्ड टू कंपेयर टाइल एंड एडहेसिव फॉर योर प्रोजेक्ट। मेरा ये भी रिकमेंडेशन है कि इफ यू आर अ प्रोफेशनल या आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट में जो पिछले पॉडकास्ट हैं वो देख लें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अब आप इसको टाइल से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटेंट ठीक लगती है, मीनिंगफुल लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो पॉडकास्ट हैं इसको अपने नेटवर्क में आप शेयर करें, इससे इस नए चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे जल्दी किसी और सवाल के साथ।